आएंगे। बड़ी जानकारी आपको देते हैं क्योंकि खबर इस वक्त की ताजा दे रहे हैं। भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने जा रही है, आपको खबर इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। तीनों सेनाओं को टैंक, मिसाइल और बम मिल सकेंगे, यानी ताकत और बढ़ेगी। करोड़ों की लागत से जहाज रोधी मिसाइलों को खरीदा जाएगा, हथियारों की खरीद को मंजूरी भी दे दी गई है। जानकारी इस वक्त की ताजा हम आपको दे रहे हैं कि भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने जा रही है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि तीनों सेनाओं को टैंक, मिसाइल और बम मिल सकेंगे। करोड़ों की लागत से जहाज रोधी भी ये कहा जा रहा है कि जो बम है उनको भी खरीदने के लिए मंजूरी मिल गई है। अनुपम तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे भी जानकारी लेते हैं। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में, आपने समय निकाला है। अनुपम जी, क्या कहेंगे, करोड़ों की लागत से जहाज रोधी मिसाइलों को लाया जाएगा, बम, हथियार, इसके लिए मंजूरी मिल गई है, कितनी अच्छी बात भारतीय सेना के लिए आप इसे कह सकते हैं? गुड मॉर्निंग हर्ष जी, वाकई में भारत की सेना के लिहाज से अगर देखें तो बहुत अच्छी खुशखबरी है ये। और जब से डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम 2020 जब भारत सरकार ने लागू किया था, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया के तहत और तमाम अन्य तरीकों से भी भारत की सेना को मजबूत किया जा रहा है। चाहे आप नए हथियारों की बात कर लें, नए इक्विपमेंट की बात कर लें, या फिर नई इंडस्ट्री सेटअप करने की बात कर लें, इन मोर्चों पर काम बहुत तेज हो रहा है और ये बहुत आवश्यक भी था। जिस तरह से नए नए चैलेंजेस हमारे बॉर्डर के चारों तरफ उभर रहे हैं, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स जिस तरह से चेंज हो रही है, भारत बिना नए अत्याधुनिक हथियारों के और नए डिफेंस सेगमेंट के अपने आप को तरक्की खुशहाल देश के रूप में नहीं देख सकता, ये अति कड़ी सच्चाई है। तो तरक्की के लिहाज से अपने डिफेंस को मजबूत करना भारत सरकार की प्राथमिकता है और भारत सरकार इसी वजह से अपनी आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी को लगातार सुदृढ़ कर रही है, तो ये एक अच्छी खबर है। जिस तरह मिसाइलों की परचेज की बात करें, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें, या लाइट वेसल्स की बात करें, तीनों सेनाओं के ऊपर काम हो रहा है और ये वाकई में एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है अनुपम जी, क्योंकि हाल ही में वायुसेना प्रमुख का भी बयान सामने आया था, जब एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो दुनिया देख रही है और इसके लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो भी हमें मिल रही हैं, जिससे भारत की जो क्षमता है वो बड़ी तेजी से विकसित हो रही है। हर जी, भारत की सेना के साथ एक अच्छी चीज ये है कि भारत ने किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ दी। पहले हमारे 60% के आसपास इक्विपमेंट केवल रशिया से आया करते थे, हमने नए मार्केट को एक्सप्लोर किया है, नई जगहों को ढूंढा है, अब अमेरिका से भी और तमाम इसराइल से, अन्य देशों से भी हमारे हथियार मिलने लगे हैं और भारत की जो एक छवि है, शांतिप्रिय देश की जो छवि है, जो किसी के ऊपर अटैक नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता, उसने भी हमारी ये ग्लोबल पावर को एक इम्पैक्ट प्रदान किया है। हम आज बहुत सारे देशों के साथ तमाम हथियारों के सौदे कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट के सौदे कर रहे हैं और अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, हमारी छवि भी अच्छी बन रही है और साथ ही साथ हमारी सेना भी मजबूत हो रही है। तो एक ये अच्छा गेस्चर है और ये भारत की तरक्की को भी दिखाता है, भारत किसी एक देश के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा और धीरे धीरे करके अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट बना रहा है, मेक इन इंडिया के तहत अपने देश के अंदर ही हथियार बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये अच्छी तस्वीर है अनुपम जी, क्योंकि पिछले दिनों हमने INS को लेकर जो तस्वीर देखी थी, जब मुंबई के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और जो हम अपने देश के अंदर निर्माण कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत, वो निर्भरता को किस स्तर पर कम कर देगा। जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया है कि जब दो देशों का युद्ध होता है तो तीसरा देश फायदा उठाने की कोशिश करता है और हथियारों को सप्लाई करता है, लेकिन हम आत्मनिर्भर बने, ये कितनी अच्छी बात। देखिए, आप कभी भी विकसित देश तभी बन पाएंगे जब आप कम से कम हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो। आप दूसरे देश के हथियारों के बल पर लंबी लड़ाइयां नहीं लड़ सकते हैं। अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए आपको आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। भारत सरकार ने इस चीज को पहचाना है और हमारे अंदर एक काबिलियत थी, हमें बस थोड़ा सा पुश की जरूरत थी, सरकार ने वो पुश दिया और आप देखिए डिफेंस की इंडस्ट्री सेटअप हो गई, डिफेंस कॉरिडोर सेटअप हो रहे हैं और इनके रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने लग जाएंगे। जिस तरह से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के प्रोग्राम दिख रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम, बिल्कुल अरमन जी, कहा जाता है कि मेहनत अच्छी की जाए तो रिजल्ट अच्छा आता ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सवेरे